कर्नाटक विधानसभा चोणां दे विच बीजेपी दी हार ने पार्टी दीआं चूलां हिला दित्तीआं ने ते मोदी दे अजेतू होण दे भरम नूं वी चकनाचूर करदिआं हुण 2024 लोक सभा चोणां तों पहलां इक वड्डी फिकर नूं उभार दित्ता है। इत्थों तक कि मोदी दी अगवाई ते वी सवाल हुण अंदरों अंदरी उठण लगे ने। कर्नाटक विधानसभा चोणां दे विच भाजपा दी हार तों बाद त्रि पद्धर ते मजबूत लीडरशिप अते प्रभावशाली पुरदगी तों बिना प्रधानमंत्री मोदी दा करिश्मा अते हिंदुत्व विचारधारक दे तौर ते काफी नहीं होवेगा। सकारात्मक कारक विचारधारा लीडरशिप भाजपा लई असल संपत्ति है। जदों राजपद्धरी शासन कार्यशील हुंदा है, मैगजीन ने 23 मई नूं प्रफुल केतकर द्वारा संपादकी विच एक खुलासे होए ने। बोमई सरकार दे खिलाफ भ्रिष्टाचार दे दोषां वल इशारा करदे होए अते चोण नतीजिआं नूं हैरानीजनक पर हैरानीजनक नहीं दसदे होए संपादकी दे विच कहा गया, प्रधानमंत्री मोदी दे केंद्र दे विच सत्ता संभालण तों बाद पहली वार भाजपा नूं विधानसभा चोणां च भ्रिष्टाचार दे दोषां दा बचाव करना पिआ। उन्हां ने इह वी कहा कि नतीजे 2024 दीआं चोणां तों पहलां कांग्रेस नूं हुलारा देणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी मुहिम दी अगवाई करन दे बावजूद भाजपा ने राजभर दे विच औसत दर्जे दा ही प्रदर्शन कीता है। प्रधानमंत्री ने चोण नूं डबल इंजन वाली सरकार लई वोट वजो पेश करदे होए मुहिम नूं निजी सुर दित्ता सी। उसने इस नूं इक ध्रुवीकरण टच वी दित्ता है। खास तौर ते आखरी पड़ा दे विच ओह ध्रुवीकरण वाले मुद्दे उभारदे नजर आए ने। बजरंग बली समेत मसले उभारे। ऑर्गेनाइजर संपादकी दे विच इह वी सुझाव दित्ता गया कि कांग्रेस चोणां दे विच चंगा प्रदर्शन करदी जापदी है। जदों राष्ट्रीय पद्धर दी लीडरशिप दी भूमिका घट हुंदी है अते चोण मुहिम स्थानक पद्धर ते रखी जांदी है। साडे यूट्यूब चैनल नूं सबस्क्राइब करो।